शोभा यात्रा में बग्घी थी, घोड़ा खींच रहा था, एक बार भी घोड़ा हिन 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 नहीं बोला, हंसा नहीं। क्यों नहीं बोला? वो जानता था कोई महान संत बैठा हुआ है, अब इसको हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो शादियों के घोड़े हंसते हैं कई बार, ही। वो क्यों हंसते? वो दूल्हे को हंसते हैं। दूल्हा जो बैठा है घोड़े की पीठ पर, उसको हंस रहा घोड़ा, ही करता है। तो दूल्हे ने पूछा, तू क्यों हंसता है? बोले, मैं इसलिए हंसता हूं कि आज भर तू भी हंस ले, कल से जिंदगी भर तुझे रोना। गुना में दूना आनंद आना चाहिए, अच्छा प्रवचन होना चाहिए, कसर ना रहे, पूरी ताकत लगानी है। अपने आस कीजे बहुत तेरा, बहुत कमुअल फिरल नहीं फेरा, इंद्री कहाँ करें विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। अपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। इसलिए आपकी जो अंतरात्मा है, उसका जो आत्म बल है, ये सबसे बड़ा बल है। आत्म बल से छोटा मनोबल, मनोबल से छोटा बुद्धि बल, बुद्धि बल से छोटा जन बल, जन बल से छोटा धन बल, और धन बल से छोटा तन बल, और तन बल से छोटा पता नहीं क्या है। सोचो, सबसे श्रेष्ठ आत्म बल। चाणक्य से किसी ने चार प्रश्न पूछे कि सबसे श्रेष्ठ जल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ बल कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ प्रकाश कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ पदार्थ कौन सा है। ये चार बातें चाणक्य ने एक ही श्लोक में जवाब दिया है कि नास्ति मेघ समम तोयम, तोयम माने जल होता है, मेघ के जल के समान कोई जल नहीं है। कितने ट्यूबवेल लगा दो, कितनी नहरें निकाल दो, और कितनी नदियां हों, अगर मेघ के जल की वर्षा नहीं होती है तो नदियां भी सूख जाएंगी, ट्यूबवेल भी सूख, सर्वोपरि मेघ का जल नदी में भी वही जल भर जाता है, तब नदी लहराती है। इसलिए मेघ के जल के समान कोई जल नहीं। और सबसे बड़ा बल कौन सा है? सबसे बड़ा बल नास्ति चा आत्म समम बल, आत्म बल के समान कोई बल नहीं। तुम्हारे पास जन बल हो, धन बल हो, बुद्धि बल हो, लेकिन आत्म बल यदि नहीं है तो आपके हाथ में राइफल होगी तो भी हाथ कपेंगे ऐसे ऐसे। मैं किसी के घर में मेहमान था उत्तर प्रदेश में, तो गांव में कुछ फायरिंग हुई, डकैत आ गए, तो जिसके यहां मैं ठहरा था वो बंदूक लेकर छत पे खड़ा था, तो उसके हाथ कांप रहे थे ऐसे ऐसे, बंदूक कप रही थी। तो मैंने कहा, बंदूक की फायर कैसे करोगे, तुम्हारे तो कंपन हो रहा है। बोले, आत्म बल नहीं है, डर लग रहा है। बोले, गुरुदेव आप इसको पकड़ लो। तो मैंने कहा, अरे मैंने कहा मैं तो साधु हूं, इसको क्या पकड़ूंगा, मैं तो भक्ति भजन वाला हूं। हाँ, पहले पकड़ा था इसको मैं,
घर पे पकड़ता था, घर पे दो बंदूक थी। तो जब ज्यादा वो डर गया तो मैंने कहा चलो लाओ मैं पकड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं, जय बजरंग बली। मेरे हाथ में वो हिलती नहीं थी बंदूक, क्योंकि मैंने कम से कम 1000 फायर तो किया ही है अपने हाथ से, किसी को मारा नहीं, आकाश में किया। हाँ, और हमारे पिताजी जो थे वो सबके रक्षक बनकर रहते थे, महाराणा प्रताप जैसी मूछ रखते थे, किसी को कोई सताए तो बीच में वो आ जाते थे, रक्षक कवच कुंडल बनकर। और तब मैंने सोचा ये आत्मबल बहुत बड़ी चीज है। हनुमान जी के साथ में ना बानर सेना थी, ना रीछ भालू की सेना थी, ना राम थे ना लक्ष्मण थे, हनुमान अकेले थे, लेकिन उनके साथ में फिर कौन था, कोई नहीं था, उनके साथ में राम की कृपा थी और आत्म बल था, इसलिए लंका में अकेले जाकर डंका बजा दिया था। मिटा शंका बजा डंका, लंका पे चढ़ जाओ वीरों। हनुमान जी अकेले जाकर के, वहां जाने में भी डर लगता था, अकेले लंका में जाना, दुश्मनों के बीच में अकेले जाना कठिन है, लेकिन तुम हनुमान की बात सुनकर तुम मत अकेले चला जाना। हाँ, क्योंकि उस समय कुछ माहौल अलग था, आजकल के राक्षस अलग टाइप के हैं, ये हिंदुस्तानी राक्षस से बचना भी कठिन है, तो लंका वाले थे, अकेले मत जाना। भगवान राम कितने बुद्धिमान थे, खुद नहीं गए अकेले, पहले अंगद को भेजा है कि मरे तो यही निपट जाए, फिर हनुमान जी को भेजा कि बंदर मर भी जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा, उसके बाद फिर लक्ष्मण को लड़ाया, लक्ष्मण भी बेहोश हो गया, आखिरी में जब कुंभकर्ण रावण को मारना हुआ तो राम ने सोचा इनको कोई नहीं मार सकता, मुझे ही मारना पड़ेगा। मनुष्य को अपनी लास्ट शक्ति का प्रयोग फर्स्ट नंबर पे नहीं करना चाहिए, सारी शक्तियों का प्रयोग कीजिए, और लास्ट में जब सब शक्तियां प्रयोग हो चुकी हैं तब खुद की शक्ति का प्रयोग कीजिए और सफलता को हाथों में लीजिए। कहीं आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर से टकरा टुकर हो जाए वहां तुम मत जाओ, क्योंकि वहां तो सब जोश में है, कौन समझेगा ये कौन है, वो तो पत्थर भी मार देंगे, डंडा मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो मत जाओ वहां, तो ऐसे बस 10-20 आदमी भेज दो, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, कोई बात नहीं भाई साहब, अरे किसकी गाड़ी, कौन किसकी गाड़ी, कौन लड़ाया, अरे ड्राइवर कौन, हुल्ल फुल्ल मचा करके बस निकाल ले जाओ। खुद नहीं जा खुद नहीं जाना चाहिए।